जय हिंद साथियों, शहीद जवान राहुल कुमार को आर्मी के जवानों ने गोटो पन्नर देकर अंतिम विदाई दी। भारत माता के जयकारों से गूंज उठा इलाका। शहीद जवान राहुल कुमार को अंतिम विदाई दी गई तो जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इनके छोटे भाई रोहित ने मुखाग्नि दी। अमर शहीद राहुल कुमार के पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर पहुंचा तो गाँव के सैकड़ों लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे। पूरा इलाका भारत माता के जयकारों के साथ शहीद जवान राहुल कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद जवान राहुल कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरा माहौल गमगीन हो गया। भारत माता के जयकारे शहीद जवान राहुल कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए लोगों के साथ साथ गणमान्य लोग भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए विधायक सहित सरकार के कई अधिकारी शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। शहीद जवान राहुल कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचने पर विधायक सहित गांव के लोगों ने फूल बरसाकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। रामपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय जीवन सिंह के 34 वर्षीय पुत्र आर्मी के शहीद जवान राहुल कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथियों, जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में आपदा राहत बचाव कार्य के दौरान भूस्खलन में दबने से जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो जहां पर उनके चाहने वाले लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे, वहीं श्रद्धांजलि दी। गांव में शहीद राहुल कुमार का काफिला भारत माता के जयकारे शहीद जवान राहुल कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए मोटरसाइकिल से जुलूस उनके गांव पहुंचा, जहां हजारों लोगों का जनसैलाब शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। जो ही जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद जवान राहुल कुमार तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ पूरा गांव गूंज उठा। शहीद जवान राहुल कुमार का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके गांव में किया गया।